पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया की जुड़वा बहनों ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग नीट 2020 परीक्षा उत्तीर्ण करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को अमली जामा पहनाया है। एक रिपोर्ट। श्वेता कुमारी और शिखा कुमारी नाम की ये दो जुड़वा बहनें पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में चकनी गांव में रहती हैं। इनका संबंध एक बेहद साधारण परिवार से है, लेकिन इन्होंने एक असाधारण कारनामा को अंजाम दिया है। शिखा और श्वेता ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के तहत अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग नीट 2020 परीक्षा उत्तीर्ण की है। इससे MBBS में नामांकन के लिए उनका रास्ता साफ हो गया है। शिखा कहती हैं कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, जो लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत में काफ़ी कुछ बढ़ गया बेटी पढ़ाओ बेटी के मामले में, तभी तो हम भी आगे बढ़े हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा है तो ये गलत है, दोनों को ही देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो मतलब लड़की या लड़का पर डिपेंड नहीं करता, वो इंसान की एबिलिटी या फिर ये पर डिपेंड करता है। तो जो भी लड़कियाँ जो पढ़ना चाहती हैं या जो पढ़ती हैं अच्छा पढ़ती हैं, सबको उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। शिखा के पिता दिलीप कुमार की एक छोटी सी दुकान है। वे कहते हैं कि कम संसाधन में भी उन्होंने अपनी जुड़वा बेटियों की शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। दूसरे लोगों को भी बेटियों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बगहा में आके एक छोटी सी दुकान कर ली है, जिसके वजह से लोगों को देख करके बच्चों को पढ़ाने का ये उत्साह मन में पैदा हुआ, और बाद में जो रिलेटिव एजुकेटेड हैं तो उनके मार्गदर्शन में हमने बच्चों को पढ़ाया, उनको मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। शिखा और श्वेता अपनी मेहनत और लगन से अपने गांव का नाम रोशन कर रही हैं, साथ ही अपनी जैसी अन्य बेटियों को भी सीख दे रही हैं। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।